मोदी अगेन पीएम 2019, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मोदी अगेन पीएम जो मिशन है हमारा, उसके हमारे प्रेम कृष्ण आर्य जी हैं, जो कि राजस्थान का संगठन है, हरियाणा के और भारत में इनको जिम्मेदारी सौंपी है। और हमें सभी पूरे संगठन को बड़ी उम्मीद है प्रेम कृष्ण आर्य जी से कि ये संगठन प्रेम कृष्ण आर्य जी के नेतृत्व में हरियाणा में बहुत बड़ी ऊंची बुलंदियों को छुएगा। हमारा जो मिशन है वो एक आम आदमी है। हम चाहते हैं, जितने भी हम भाई हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा पीएम बने। जिस तरह वो देश के लिए कर रहे हैं, रात दिन देश के लिए लगे रहते हैं, अपने लिए नहीं सोचते, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते, कोई परिवारवाद नहीं है, केवल एक ही काम है, देश और केवल देश। हम चाहते हैं कि वो दोबारा इस देश के पीएम बने। देश को जो नई दिशा मिल रही है, संगठन किसने बनाया, किसका है संगठन? संगठन एक आम आदमी का संगठन, एक आम आदमी मोदी साहब को चाहता है वो दोबारा पीएम बने। इस संगठन की बात करें तो अभी तक कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं, कितने कार्यकर्ता और किस किस प्रदेश में संगठन कार्यकर्ता? ये संगठन अभी तक हरियाणा, पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश, गुजरात, MP, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, महाराष्ट्र जी, बिहार, ये पूरा कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। घोषणाएं हो रही हैं और बाकी घोषणाएं होनी बाकी। लगभग अभी तक कितने कार्यकर्ता जो संगठन जुड़ चुके हैं, जो मोदी को चाहते हैं? अगर हम ठीक से देखा जाए तो अगर हम सभी जो प्रांत अभी तक हमारे काम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 को कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका ध्येय यही है कि 2019 में प्रधानमंत्री दोबारा से, हमारा बिल्कुल प्योर ध्येय है, हम चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा पीएम बने। मोदी जितने भी कार्यकर्ता हैं सब आम आदमी हैं, वो किसी संगठन जुड़े हुए नहीं है, वो किसी संघ से जुड़े हुए नहीं है। कृष्ण जी, 2019 में मोदी जी को दोबारा लाने की तैयारी कर दी गई है, आपको हरियाणा प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है, किस तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे आप यहाँ हरियाणा? हमारे बहुत ही आदरणीय मान्य हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको दोबारा 2019 में भी हम, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि वो दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और इस संगठन में संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास जमाया है, आदरणीय मेरे बड़े भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीक़ा से देश में विकास कार्य हो रहे हैं और जो नई नई परियोजनाएं देश में आ रही हैं, उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दोबारा मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो मैं हमारे आज हरियाणा में आए हुए हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री सतीश कुमार स्वामी जी, मेरे आदरणीय मौर्य जी और जितने तमाम के तमाम हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जितने कमेटी के सदस्य आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा से और जितने भी युवा, जितना हम संगठन से जोड़ पाएंगे, मैं मन से तहे दिल से प्रयास करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहां से अच्छी, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि जो भी देश की परियोजनाएँ और जितने भी हम पूरे नेशनल लेवल की जो सुविधाएं हमें मोदी जी दे रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, ये हमारे संगठन का कार्य है और हमारा कार्य है। किस तरह से भूमिका अदा करेंगे, अगर बात करें गांव-गांव और गली गली, किस तरह से संपर्क करेंगे लोगों से मोदी की जो 2019 में वापस लाने के लिए? क्योंकि हमारे जो मिशन है, हमारा जो संगठन है, इनमें बूथ लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि हमारे जो संविधान में पहले प्रदेश के प्रभारी की मुझे जिम्मेदारी दी गई, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का गठन किया जाएगा, जिला अध्यक्ष का गठन किया जाएगा, फिर बूथ स्तर पे और विधानसभा लेवल की गठन की जो प्रक्रिया हमारी है, तो घर घर तक मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, ये हमारा प्रयास रहेगा।